सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जरूर इसको देखें और आत्मचिंतन करें कि भारत की न्याय प्रणाली कहां पहुंच गई है। भारत में टोटल 5 करोड़ केसेस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसका मतलब 5 करोड़ परिवार न्याय की आशा में बैठा हुआ है। ऑन एन एवरेज एक परिवार में 6 आदमी रख लीजिए, तो यानी 30 करोड़ लोग न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं। 30 करोड़ का मतलब एक अमेरिका, 30 करोड़ का मतलब 15 ऑस्ट्रेलिया, 30 करोड़ का मतलब 7 कनाडा, 30 करोड़ का मतलब 1.5 ब्राजील। इतने लोग भारत में न्याय की आस में बैठे हुए हैं। और ये 5 करोड़ केस तो वो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसके पैरेलल हमारे देश में एक और जुडिशियल सिस्टम है, उसको कहते हैं तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, जहां पे चकबंदी के मुकदमे चलते हैं, वो इस 5 करोड़ में काउंटेड नहीं है। जो तहसीलदार के यहां मुकदमा होता है, एसडीएम के यहां मुकदमा होता है, एडीएम के यहां होता है, डीएम के यहां होता है, चकबंदी अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, डीडीसी कहते हैं, एसओसी कहते हैं, वो इसके पैरेलल में है। और 5 करोड़ मुकदमे वहां पे भी चल रहे हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा भारत की ब्लैक जस्टिस सिस्टम का। 1985 में जौनपुर में एक 10 बीघे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ था। अभी वो सबसे नीचे पायदान पे है जिसको कहते हैं चकबंदी अधिकारी। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ, 2023 आ गया, लगभग 37 साल बीत चुके। 37 साल में ये नहीं तय हो पाया कि असली विल किसने किस कौन सी है। दो लोगों ने क्लेम किया, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है। 37 साल में ये नहीं डिसाइड हो पाया असली विल किसकी है। अगर मान लीजिए आज डिसाइड हो जाए तो सीओ के बाद एसओसी, एसओसी के बाद डीडीसी, डीडीसी के बाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी अभी 35 साल और लगेगा, 70 साल लगेगा। सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है, ऑलरेडी सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है, और इसी स्पीड से काम हुआ तो मुझे लगता है थर्ड जनरेशन आके मुकदमा जाके तब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल आपको देता हूं। 1971 के वॉर में पाकिस्तान में बम फेंकने वाले, पाकिस्तान के फौजियों के बहुत सारे बैंकर तोड़ने वाले, एक कर्नल कबोत्रा है, पंचकुला में रहते हैं, दुश्मनों को उन्होंने दांत तोड़ दिए। आज 2000 से उनके मकान पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, 2023 आ चुका है, 23 साल में वो अपने मकान को नहीं छुड़ा पाए। अभी मामला पंचकुला की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो 23 साल में वो सबसे नीचे पायदान पे है। वास्तविकता यह है अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानून यहीं छोड़ गए, अंग्रेजी व्यवस्था यहीं छोड़ गए। ये व्यवस्था भारत में न्याय देने के लिए नहीं बनी थी। ये जो न्यायिक जुडिशियल सिस्टम था भारत में जो बनाया गया, वो केवल और केवल भारत को लूटने बांटने के लिए बनाया गया था। क्योंकि कानून वही चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम वही चल रहा है, इवन हमारा ड्रेस भी वही चल रहा है। अंग्रेज काले कपड़े पहनते थे, हम भी काले कपड़े पहनते हैं। अंग्रेज जून के महीने में उनको गर्मी लगती थी तो 1 महीने छुट्टी करके इंग्लैंड चले जाते थे। आज भी हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरे मई जून बंद रहता है। अंग्रेजों को क्रिसमस के टाइम में दिसंबर में छुट्टी मनाना जाना होता था, 1 महीने छुट्टी करके चले जाते थे। आज भी हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिसंबर में क्रिसमस के टाइम में 15 दिन 20 दिन बंद हो जाती है। तो सोच वही है, किताबें वही है, व्यवस्था वही है, कानून वही है, तो स्वाभाविक सी बात है जस्टिस होगा कहां से, जस्टिस कैसे होगा। हम 2023 में 1860 का इंडियन पिनल कोड लेके घूम रहे, 1861 का पुलिस एक्ट लेके घूम रहे, गवाहों के बयान 1872 के कानून से हो रहे। हमने सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर लिया, लेकिन अपने जस्टिस सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश ही नहीं किया। जितने में एक एयरपोर्ट बनता है, एक एयरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड़ की लागत आती है। अगर हमारी सरकारों ने एक एयरपोर्ट की कीमत जुडिशियल सिस्टम पे खर्च कर दिया होता तो हमारी न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो गई होती। आज घटिया, चूंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है जुडिशियल सिस्टम में, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी के साथ न्याय हो जाए अन्याय हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्दोष को जेल हो जाए जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, दोषी को बेल हो जाए जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, लाखों लाख लोग जेल में सड़ रहे हैं, लाखों धोखेबाज भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे हैं। मूल कारण है ब्लैक जस्टिस सिस्टम। आपने बहुत अच्छा आपने इसमें वेब सीरीज बनाया है। और इस देश में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल, सब कुछ वर्ल्ड क्लास बना लिया। इनफैक्ट
अपना मोबाइल का डेटा सुरक्षित रखने के लिए हमारे सांसद विधायक जज आईफोन भी यूज करते हैं, अमेरिका का आईफोन यूज करते हैं, हमारा डेटा सुरक्षित हो जाए। लेकिन भारत सुरक्षित हो जाए उसके लिए ये नहीं देखते कि जापान में कौन सा कानून है, अमेरिका में कौन सा कानून है, सिंगापुर में क्या अच्छा चल रहा है। कनाडा में रेंट का मामला एक डेट में खत्म होता है। सिंगापुर में अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा पाया गया, उसको फांसी हुई है। दोबारा वहां ड्रग स्मगलिंग होगी क्या? तो भारत में चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो, माफिया राज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इन सब के लिए हमारा जस्टिस सिस्टम जिम्मेदार है। कोई भी अपराध होता है उसमें दो पक्ष होता है, एक पीड़ित एक अपराध करने वाला। जो पीड़ित होता है वो चाहता है जल्दी उसको न्याय मिल जाए, अपराध करने वाला चाहता है मुकदमा लंबा चले। भारत का न्यायिक सिस्टम अपराध करने वाले के साथ खड़ा है। बलात्कारी चाहता है उसका मुकदमा 30 साल चले और मुकदमा 30 साल चलता है। भू माफिया चाहता है कि गरीब की जमीन पर कब्जा कर ले, उसका मुकदमा 50 साल चले और आज की डेट में मुकदमा 50 साल चल रहा है। इसका मतलब वर्तमान न्यायिक सिस्टम बलात्कारी के पक्ष में है, भू माफिया के पक्ष में है, ड्रग स्मगलर के पक्ष में है, ह्यूमन ट्रैफिकर के पक्ष में है, नक्सलियों के पक्ष में है, माओवादियों के पक्ष में है, जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं उनके पक्ष में है। 40 साल 50 साल के बाद किसी व्यक्ति ने मिलावट करके लोगों का स्वास्थ्य खराब कर दिया, उसको 50 साल के बाद सजा हो रही है। इस बीच उसने कम से कम पता नहीं कितने लोगों का और भी कर दिया। तो ये जो जस्टिस सिस्टम होता है दवा की तरीके काम करता है। जैसे दवा अच्छी होती है बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है, अगर दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ जाती है। दवा खाने के बाद शरीर एज इट इज नहीं रहता, या तो बीमारी ठीक होती है या तो बीमारी बढ़ती है। अगर कोई आदमी एक गांव में किसी के साथ कुछ गलत कर दे, उसको 6 महीने के अंदर सजा हो जाए, साल भर के अंदर हो जाए, दूसरा अपराध वहां नहीं होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिला तो स्वाभाविक सी बात है उसने उसको और मोटिवेट कर दिया। कहते नहीं ऐसे बुखार है तुरंत 2 गोली खाइए बुखार ठीक हो गया, लेकिन अगर आपने दवा नहीं खाई या गलत दवा खा लिया तो टाइफाइड होगा या निमोनिया होगा। दुर्भाग्यवश ये हमारा जस्टिस सिस्टम यही कर रहा है। आज की डेट में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, ड्रग स्मगलिंग है, या नक्सलवाद है, या माओवाद है, या कट्टरवाद है, जो भी समस्याएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारा जस्टिस सिस्टम उसको टैकल नहीं कर पा रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है, और इसीलिए भारत में अराजकता है। मैं तो इतने जानता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हम हर चीज के लिए बाहर से चीजें खरीदते हैं, तो हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि आखिर चाइना का जस्टिस सिस्टम कैसा है, सिंगापुर का कैसा है, कनाडा का कैसा है, फ्रांस का कैसा है और अमेरिका का कैसा है? हम क्यों नहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी अडॉप्ट कर लेते? दुनिया के कई देशों ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया। मेरी बहन दीपिका नारायण बैठी हुई है, ये लगातार फॉल्स केसेस के खिलाफ इनको मैं देखता रहता हूं, एक्टिव रहती है। एक कानून बन जाए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, और कंप्लेन पे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो कुछ मैं शिकायत कर रहा हूं इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, हजारों की संख्या में फेक केसेस खुद ही खत्म हो जाएंगे। आज की डेट में लोग जुडिशरी की लापरवाही के साथ साथ फर्जी केस से परेशान है, फर्जी गवाही से परेशान है, फर्जी FIR से परेशान है, हजारों परेशान परिवार परेशान है। कई कई बार देखा गया कि जो फैमिली के केसेस होते हैं उसमें कितने सारे फेक केसेस भी आ रहे हैं। तो जो वास्तव में दोषी हैं उनको पनिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ फर्जी केसेस हो रहे हैं। आज की डेट में गांव में एक दबंग अगर जमीन कब्जा कर लेता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसके खिलाफ कोई गवाही दे दे। लोगों को अपनी जमीन छुड़ाने में 30-30 साल लड़ना पड़ रहा है, 35 साल लड़ना पड़ रहा है। अगर 35 साल के बाद ककड़ जी उसको अपनी जमीन मिल भी गई तो उसके साथ न्याय कहां हुआ? 35 साल में उसका टाइम बर्बाद हो गया, 35 साल में उसका पैसा बर्बाद हो गया, 35 साल वो मेंटल ट्रॉमा में रहा, 35 साल उसने तारीख पे तारीख झेली है। और मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई बार जाके देखा, ऐसे परिवारों को देखता हूं जिनके पास बस से आने के लिए पैसा नहीं है, साइकिल से आते हैं। ऐसे परिवारों को देखता हूं जो चाय नहीं पी सकते अपने पैसे से, बेचारे घर से रोटी बांध के और अचार लेके आते हैं, लेकिन वहां मजबूरी में वकील को पैसा देते हैं। तो हमारी कोर्ट कचहरी वास्तव में दलाली का अड्डा बन गया है, हमारी कोर्ट कचहरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।
और मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, अदालतों में न्याय हो नहीं रहा है बल्कि न्याय बिक रहा है। जिनके पास पैसा है वो कि उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया हो, मर्डर किया हो, रेप किया हो, उनको जमानत हो रही है, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। कई बार तो आ गया, मैंने मेरे मर्डर किया एक्स अनंत सिंह ने, लेकिन एक्स अनंत सिंह बाहुबली थे, उन्होंने थानेदार को 20 लाख रुपए दिया, वो वाई अनंत सिंह को लेकर जेल में डाल दिया, नाम वही है। अब उसके बाद क्या हुआ, 20 साल मुकदमा चला और फिर सबूत के अभाव में छूट गया। तो जिसने मर्डर किया वो तो कभी जेल गया ही नहीं, एक निर्दोष जेल गया, 10-20 साल के बाद उसने अपना जमीन बेचा, सब कुछ किया, माँ बाप सब कुछ तबाह हो गए, फिर वो सबूत के अभाव में छूट रहा है। तो सबूत के अभाव में अगर 20 साल के बाद छूट भी गया हो, उसका 20 साल कौन लौटाएगा, उसके 20 साल के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके 20 साल जो बर्बाद हुआ उसके लिए संविधान की शपथ लेने वाले जिम्मेदार हैं। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है हम आपको जस्टिस देंगे, हम आपको न्याय देंगे। न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी, जिन्होंने शपथ लिया। शपथ कौन लेते हैं, जजेस लेते हैं, सांसद विधायक मंत्री लेते हैं। तो आज की डेट में अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए वही जिम्मेदार हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेने वालों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसीलिए मिलता है कि लोगों को न्याय मिल सके, फास्ट जस्टिस मिले, कंप्लीट जस्टिस मिले। अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट जस्टिस मिलने में तो 50-60 साल लग जाता है, फास्ट जस्टिस तो सपना हो गया है। इसलिए आज आपने जो ये वेब सीरीज बनाई है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, एक ऐसे विषय पे जिस पे कोई टच नहीं करता लेकिन जिससे करोड़ों लोग पीड़ित हैं। मैंने कहा ना 5 करोड़ लोग सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस से पीड़ित हैं और 5 करोड़ मुकदमे एसओसी, डीडीसी, तहसीलदार के यहां चल रहा है। तो अगर 5 करोड़ से 30 करोड़ लोग इधर पीड़ित हैं तो उधर भी पीड़ित है। वास्तव में बहुत बड़ी संख्या भारत में इसी से पीड़ित है और अपराध, भ्रष्टाचार और जितनी भी अराजकता चल रही है उसका मूल कारण भी यही है। जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए, कानून सख्त हो जाए, कानून का खौफ पैदा हो जाए, न्यायपालिका का खौफ पैदा हो जाए, और ये थाने जो दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसील जो दलाली का अड्डा बन गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कमीशनखोरी का अड्डा बन गया है, अगर इस पर कंट्रोल हो जाए तो वास्तव में भारत में फिर से राम राज्य आ सकता है। अगर जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो जाए तो जो राम राज्य की कल्पना है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मुझे लगता है उसको फिर से जीवित किया सकता है। आपने मुझे बुलाया कपिल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और ये फिल्म बनाने के लिए, ये वेब सीरीज बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता रहता हूं। दीपिका जी लड़ती रहती हैं, इनको देखता रहता हूं। बहन नेहा जी आई हैं, ये अपने गानों से मुझे लगता है बहुत अच्छा आप लिखती हैं, और इसी तरीके से कड़वा सच आप लिखते रहिए, कड़वा सच गाते रहिए। लोग आज की डेट में, यंग जनरेशन कड़वा सच सुनना चाहती है। मीठे झूठ ने इस देश में शुगर, डायबिटीज पैदा कर दिया। भारत केवल लोग डायबिटीज से नहीं पीड़ित हैं बल्कि हमारी व्यवस्था को डायबिटीज हो चुका है, और उस डायबिटीज को दूर करने के लिए नेहा राठौर जैसी बहनें जो सही बात कह रही हैं, दीपिका बहन, दीपिका जी सही बात कह रही हैं, आप लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने कक्कड़ साहब आपने बनाया वेब सीरीज, आपको विशेष आभार धन्यवाद देता हूं। यही निवेदन करता हूं, इस वेब सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और ख़ास तौर पर अगर आपके जानने वाले कोई जज हैं, कोई आईएएस हैं, कोई आईपीएस हैं, मंत्री, सांसद, विधायक हैं, उनको भी एक बार फोन करके, व्हाट्सअप करके एक बार कहिए कि वो भी इसको जरूर देखें, क्योंकि अल्टीमेटली न्यायिक व्यवस्था बदलने की जिम्मेदारी उन्हीं की है जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट और वीआईपी व्यवस्था मिलती है, ये व्यवस्था उन्हीं को बदलनी है। जय हिंद, धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।